हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। बहुत सारे लोग जब गाड़ी लेते हैं ना तो सोचते हैं यार कोई ज्यादा मोटा खर्चा नहीं है, ईएमआई भरेंगे, पेट्रोल डीजल सीएनजी डलवाएंगे और चलते रहेंगे। लेकिन आप गलती कर रहे हैं, गाड़ी रखने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, कुछ ओवरहेड खर्चे होते हैं जो हम कंसिडर ही नहीं करते हैं, और जब उनको जोड़ते हैं ना या वो हर महीने हर साल हमें खर्चा देते रहते हैं तो पता लगता है ये कहीं गलती तो नहीं करती है। अब देखिए हम क्या सोचते हैं, हमारे पास सिर्फ दो ही खर्चे हैं क्या, एक ईएमआई रहेगी, दूसरा क्या रहेगा, हम जो पेट्रोल डीजल फ्यूल की कॉस्ट है वो रहेगी। लेकिन एक चीज और देखिए, सर्विस कॉस्ट आपको देखनी पड़ेगी जिसको मेंटेनेंस बोल देते हैं, उसके बाद हर साल आप इंश्योरेंस भी कराते हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद हर साल सिर्फ मेंटेनेंस या सिर्फ सर्विस को मेंटेनेंस नहीं बोल सकते, और भी चीजें हैं, आप टायर्स वगैरह भी आपको चेंज कराने पड़ेंगे, आपको क्लच प्लेट भी चेंज करानी पड़ सकती है, आपको कोई पार्ट्स भी चेंज कराने पड़ सकते हैं। तो वो जितना भी आइटम है ना उस सब की मैं बात करूंगा। मेरी गाड़ी को 5 साल हो गए हैं, मैं इसी का एग्जांपल दूंगा, आपकी गाड़ी इससे ज्यादा चलती है तो आपको ज्यादा दिक्कत मतलब ज्यादा खर्चा देना पड़ सकता है, गाड़ी कम चलती है तो कम देना पड़ सकता है। अब देखिए इस गाड़ी को 5 साल हुए हैं, सबसे पहले इसकी सर्विस कॉस्ट हम मान लेते हैं। इस गाड़ी को 15,000 किलोमीटर पर टाटा बोलती है कि सर्विस करा लीजिए, 60,000 किलोमीटर 5 साल में चली है, नॉर्मल मैं मान लेता हूँ भाई 1,000 किलोमीटर पर मंथ चली होगी तो 5 साल में 60,000 किलोमीटर चल गई है। इसकी सर्विस 15,000 में करेंगे, 4 सर्विस हो चुकी हैं, एक सर्विस में 6,000 से 7,000 रुपये का खर्चा आता है, तो 5 साल में इसमें 24,000 से 25,000 रुपये का खर्चा आया, और ट्रू भी यही है, इतना ही आया है। हम 30,000 पकड़ के चलते हैं क्योंकि जो लास्ट सर्विस थी 60,000 किलोमीटर पे वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है, उसमें कुछ ऑयल्स वगैरह चेंज होते हैं, उस वजह से 30,000 रुपये आप सर्विस के लगा कर चलिए, ठीक है, 5 साल में 30,000 रुपये सर्विस। नेक्स्ट, अब इसमें टायर्स जो हैं वो चेंज होंगे, 2 टायर चेंज होंगे जो सामने वाले हैं, वैसे तो हम अल्टी पल्टी मारते रहते हैं लेकिन 2 टायर 5 साल के बाद आ जाते हैं यार उनके चेंज करने के टाइम। वैसे तो बोलते हैं कि 5 साल में आपको चारों ही चेंज कराने हैं, चाहे वो कम चले हैं, अगर घिस गए हैं तो आपको चेंज कराइए, अगर नहीं घिसे हैं तो उनकी लाइफ 5 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, बट स्टिल फिर भी हम चलाते रहते हैं, लेकिन सामने वाले 2 तो चेंज कराने ही पड़ेंगे। इस गाड़ी में 15,000 रुपये के आसपास सामने वाले दोनों टायर अब मेरे को चेंज कराने हैं। एक इसमें क्लच प्लेट का जो खर्चा है वो आ चुका है 20,000 रुपये के आसपास, उसमें भी लगेंगे, अब तक मुझे चेंज करानी थी लेकिन वैसे ही मैं धका रहा हूँ, मतलब चेंज करानी पड़ेगी, वीडियो बना रहा हूँ तो शायद अब नहीं करानी है, 2 दिन के बाद करा लूंगा, तो 5 साल में क्लच प्लेट का भी खर्चा आ गया 20,000 रुपये उसमें लग जाएंगे, AMT गाड़ी है इतना पैसा उसमें लगेगा। इंश्योरेंस बड़ा मोटा खर्चा इसमें होता है, 5 साल में लगभग 90,000 रुपये के आसपास मैं इस पर इंश्योरेंस का खर्चा कर चुका हूँ, और वो जब है जब मैं खूब अच्छे से कंपेयर करता हूँ, अगर कोई कंपेयर नहीं करता है, आपके पास डायरेक्ट शोरूम से फोन आया आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल है, आप अगर उस गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे तो आपको 1,00,000 या 1,10,000 रुपये तक के आसपास भी खर्चा देना पड़ सकता है, और ये मैं बात कर रहा हूँ 10,00,000 रुपये एक्स शोरूम वाली गाड़ी की, उससे कम है या ज्यादा है उसमें आपको इंश्योरेंस और भी ज्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद मिसलेनियस और हैं जो हम 20,000 रुपये के आसपास लगाकर चलेंगे, हमने गाड़ी की वॉशिंग कराई है, कभी टायर में पंचर हो गया है, अब देखिए जैसे सामने का एक ये जो पट्टी उतरी हुई है ये मेरे को लगवानी है, या इसका 1-2 बार इंश्योरेंस क्लेम किया था जब बम्पर वगैरह जो है वो उतर गया था तो उसमें हमें फाइल चार्ज वगैरह देना पड़ता है, तो अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए ये टायर जो मैंने दिखाया था ना, ये टायर फटा हुआ है, ये अभी स्टेपनी लगी है तो टायर वगैरह चेंज कराने का टाइम आ जाता है। इधर ये देखिए ये थोड़ा सा काम यहाँ पर भी होना है, लाइट ये वाली तो ध्यान ही नहीं रही थी, जो बैक लाइट है टेल लाइट है ये टूटी हुई है, तो मिसलेनियस करके भी लगभग 20,000 रुपये के आसपास का खर्चा हमें देना पड़ेगा। तो अगर इन सबको हम टोटल करते हैं कितना खर्चा आ जाएगा, तो ये लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में आपको ये खर्चा 5 साल में अपनी गाड़ी में देना पड़ेगा। अब 5 साल में 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए एक्चुअली हमने खर्चा कर दिया है, तो पर मंथ का आपका कितना पड़ा, लगभग 2700 से 2800 के आसपास, हर दिन का आपका कितना पड़ा, लगभग 100 रुपए के आसपास। तो आपकी गाड़ी अगर खड़ी भी है ना, और देखिए इसमें बड़े ध्यान रखने की कौन सी बात है, अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है, आपकी गाड़ी 20 लाख की है, आपकी गाड़ी 5 लाख की है, तो उसमें सर्विस कॉस्ट लगभग हमें सेम ही मिलती है। अब मैं टाटा की इस गाड़ी की सर्विस कराऊं
या मैं टाटा हैरियर की कराऊं, सफारी की कराऊं या टियागो की कराऊं, पंच की कराऊं, उनकी सर्विस ना लगभग वही 5-6 हज़ार रुपए के आसपास, और वो भी तब है जब आप बड़े ध्यान से सर्विस कराएंगे। अदरवाइज कोटेशन तो आपको 9 से 10 हज़ार रुपए के आसपास की देते हैं, उसमें कुछ चीजें आपको कटवानी पड़ती हैं तब वो चीजें होती हैं। टायर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसके टायर हो सकते हैं 7,500-8,000 रुपए के आसपास आ जाएं। 1 इंच और बड़े लेंगे वो 9,000 रुपए के आ सकते हैं, 1 इंच 2 इंच छोटे लेंगे वो 5,000-4,000-3,000 रुपए के आसपास आ सकते हैं, तो ज्यादा फर्क वहां पर भी नहीं है। इंश्योरेंस में आपको थोड़ा ज्यादा फर्क मिल सकता है, जितनी बड़ी गाड़ी जितनी छोटी गाड़ी, वहां पर आप और 20-30 हज़ार रुपए बचा सकते हैं या 20-30-40 हज़ार रुपए और ज्यादा दे सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने सिर्फ अपना ईएमआई हम भर रहे हैं, 10,000 रुपए हम हर मंथ ईएमआई भर रहे हैं, 4-5 हज़ार रुपए का हमारा फ्यूल लगेगा और छुट्टी। आप और 3 से 4 से 5 हज़ार रुपए जरूर लगाकर चलिए, हर रोज 100 से 150 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। और सही बताऊं तो ये थोड़ी मोटी रकम हो जाती है, डेली आपको 100 रुपए देने ही है अपनी गाड़ी को, अगर वो खड़ी है तब भी, और अगर खड़ी गाड़ी है ना उसमें ज्यादा खर्चा होता है, उसके टायर्स जल्दी खराब हो जाते हैं, उसका जो इंजन ऑयल है ना वो जल्दी खराब हो जाता है अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, उसके पार्ट्स जल्दी घिसते हैं क्योंकि वो रेगुलर चल नहीं रहे, वो गाड़ी मशीनरी बनाई गई है चलाने के लिए, हम उसको खड़ा करके रखते हैं, और अगर उसको हमने खड़ा ही रख दिया भाई गाड़ी हम चला ही नहीं रहे हैं, तो आप उसकी ईएमआई भी भर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस भी भर रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट फिर भी आपको देनी पड़ेगी, और वो आपके काम भी नहीं आ रही है, वो तो और भी ज्यादा नुकसान की चीजें हो गई है। तो आपके पास कौन सी गाड़ी है और पिछले 5 साल में 4 साल में आपने कितना खर्चा कर दिया आज तक उस पर, आप वो भी बताइएगा, उसमें आपको फ्यूल कॉस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो हम मानते ही नहीं है ये खर्चे भी आ सकते हैं, वो आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जितना फ्यूल आपका लगा है ना, मुझे लगता है कि उतना ही एक्स्ट्रा खर्चा आपका और हो जाता है आपकी गाड़ी में, अगर उतना ही नहीं होता है तो उसका हाफ जरूर हो जाता है, तो आपका फ्यूल की कॉस्ट जो है जितने आपने दी है उसका 1.5 गुना लगभग आपको अपनी गाड़ी पर खर्चा करना पड़ता है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए थी जिनको लगता है यार सिर्फ एक ही बार तो हमने देना है और हम हर महीने खर्चा करते रहेंगे, उसमें आप और भी खर्चा जोड़ लीजिए, 3 से 4 हज़ार रुपये आपको और जोड़ना है। तो बाकी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। इस टाइप के वीडियोज़ के लिए आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।